फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को लेकर सरकार का आ गया नया फैसला। भारी विरोध के बावजूद भी सरकार का नया फैसला, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे स्टेट में विरोध हो रहा है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, लेकिन अब सरकार का नया फैसला, नई गाइडलाइन क्या है पूरी खबर पढ़िए, वीडियो एंड तक देखें। परीक्षा कॉलेज सरकार का नया फैसला, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फाइनल फैसला सुना दिया। यूनिवर्सिटीज़ लेवल के हर एग्ज़ाम्स हर हाल में कंडक्ट कराए जाएंगे। उधर छात्रों का एक बड़ा समूह जनरल प्रमोशन की मांग पर अड़ा, जबकि छात्रों के साथ साथ उसमें जो टीचर्स भी, वो भी विरोध कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स ना कराए जाए। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टूडेंट्स को प्रेशर रिलीज करने के लिए नया सॉल्यूशन निकाला है। स्टूडेंट्स के सामने सेकंड चांस का ऑप्शन होगा, यदि वो किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाया तो उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी अगर स्टूडेंट्स की जो एरिया है वहाँ पर कोरोना वायरस काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है या वहाँ पर ज़्यादा गंभीर स्थिति है, तो वो बाद में भी अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। HRD मिनिस्टर ने एग्ज़ाम्स में सेकंड चांस के लिए यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन जारी किए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें बाद में एक और मौका दिया जाएगा। निशंक ने ट्विटर पर ट्वीट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन प्लस पेन एंड पेपर यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यानी किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन कराई जा सकती हैं। बता दें कि UGC ने हाल ही में देशभर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल के एग्जाम्स के लेकर गाइडलाइन जारी की है। एक अन्य ट्वीट में निशंक ने लिखा कि यह उनकी क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है और जो वैश्विक स्वीकारता के लिए आवश्यक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए UGC ने टर्मिनल सेमेस्टर की सभी परीक्षाएँ 30 नवंबर 2020 तक कराने के निर्देश जारी दी, यानी 30 नवंबर तक सभी की परीक्षाएँ कराई जाएंगी।